और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन जंग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहम बयान है। चीन फ्रांस जर्मनी मिलकर यूक्रेन संकट पर कर सकते हैं काम, और देखिए चीन जर्मनी फ्रांस मिलकर काम कर सकते हैं, ये बयान जिनपिंग का है। और रूस पर प्रतिबंध ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डालेंगे, ये जिनपिंग ने कहा है। रूस पर प्रतिबंध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, शी जिनपिंग का ये बयान है। तो चाइना की तरफ से ये एक अहम बयान है। अभी अभी जो स्थितियां हैं उसको देखकर टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी सर, चीन का एक बयान आता है और कहीं ना कहीं इस बयान में भी ये नजर आ रहा है कि रूस पर प्रतिबंधों को लेकर वो थोड़ा चिंतित है, कैसे देखते हैं आप चीन के इस स्टेटमेंट को, शी जिनपिंग के इस स्टेटमेंट को? चीन ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटाने होंगे। चीन ने अपने पहले बयान में ये भी कहा था कि मैं रशिया के साथ बिल्कुल एक पहाड़ की तरह से, सॉलिड पहाड़ की तरह से खड़ा हूँ। यानी आप किसी भी तरकीब से इसे घुमा फिरा के देख लीजिए, चीन रशिया के साथ है और यही काउंटर बैलेंस है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेंटागन को ये बता दिया है कि अगर ये युद्ध 10 दिन और चला तो फिर नेटो को उतरना होगा, यूक्रेन के समर्थन में उसके साथ लड़ना होगा, और अगर नेटो लड़ता है तो रशिया 54 लाख की फौज से हवाई में और जमीन में मुकाबला नहीं कर सकता। सैंक्शन पहले ही लगे हुए हैं, मरता क्या ना करता, फिर वो करेगा जिसका दुनिया को अंदेशा है। बिल्कुल, अगर नेटो ने इसमें इंटरफेयर किया और ये युद्ध हुआ तो फिर मुश्किल हो सकती है रशिया के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।